इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आज रात इसी वक्त 8:45 AM हो रहे हैं, 8:45 PM पर हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावत देते हैं कि PS-88 के अंदर इंशाल्लाह जश्न फतह होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा। और आज ये वो PS-88 है कि जिस पर बाय इलेक्शन हो रहा है और ये वो मलीद की एक बेचारे मलीद के एक लोगों की एक सीट है जो पिछले 50 साल से पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ अंदाज से वोट देते आ रहे थे। आज 1971 में भी यहाँ हफीज पीरज़ादा साहब इलेक्शन लड़े थे और आज तक मुख्तलिफ अदवार में पिछले 50 साल मलीद के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया और मलीर तबाह बर्बाद हो गया। मलीर में मंशियात के अड्डे खुल गए, मलीर में शराब खाने खुल गए, मलीर की रेती बजरी चोरी करा दी गई, मलीर की ज़मीनों पर कब्जे करा दिए गए, मलीर को इन सब ने लूटा। जब मौका आया मलीर की ज़मीनों को आकर लूटा गया, जब मौका आया मलीर की रेती को लूटा गया, जब मौका आया मलीर में मंशियात के जरिए मलीर के अंदर तबाही कराई गई। और अलमिया ये कि यहाँ मलीर को मुख्तलिफ अदवार में ठेके में दिया जाता रहा, आखिरी ठेकेदार रहा और वार साहब थे, अब बहुत सारे कोई और ठेकेदार पैदा हो चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह इससे पहले हमारा एक गाजी कैप्टन जलील अहमद खान साहब जो कि मलीर से MNA है और इंशाल्लाह अब आज के बाद एक और MP है उसमें शामिल हो जाएगा जो मलीर के गाजियान में जानशेर चुने जो एक बड़ा ज़बरदस्त एक पढ़ा लिखा नौजवान है, इमरान खान साहब का टाइगर है, मलीर में रहता है, आज जो मैदान में उतरा है। और यहाँ मलीर को बताता चलूँ, अर्बन और रूरल में मलीर की ये सीट डिवाइडेड है और आज वोट से तो पूरे इस महीने की कैंपेन